नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता आशीष राव देशमुख ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राज्यसभा टिकट के मुद्दे पर दिया इस्तीफा। कल से शुरू होगा अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य समेत ये हस्तियां होंगे मौजूद। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या, सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान जारी। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के काटोल से पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष राव आर देशमुख ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में इमरान प्रताप गढ़ी को लाने के कारण इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेता इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई और इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बताया। आशीष देशमुख ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पत्र साझा किया। आशीष राव देशमुख ने लिखा कि बाहरी उम्मीदवार को थोपने से पार्टी को विकास के मामले में कोई फायदा नहीं होगा। यह महाराष्ट्र में सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और कवि 34 वर्षीय इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रताप गढ़ी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार से हार गए थे। इस पर आशीष देशमुख ने तर्क दिया कि एक स्थानीय नेता को मैदान में उतारने से पार्टी को मजबूती मिलती, लेकिन नेतृत्व ने इसके बजाय दूसरे राज्य से राजनीतिक हल्केपन लाने का फैसला किया। इस साल का मानसून केरल में तय समय से 3 दिन पहले पहुंच गया है। हालांकि नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा है कि पहला मानसून 10 जून के बाद विदर्भ में पहुंचने की संभावना है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू ने कहा कि हालांकि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। चिलचिलाती गर्मी के चलते इस समय पूरा विदर्भ त्रस्त हो गया है। इसलिए जहां सभी की निगाहें मानसून के आगमन पर टिकी थी, वहीं 3 दिन पहले केरल में मानसून आने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल विदर्भ में भी जल्दी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। केरल में मानसून की शुरुआत के बाद मानसून आमतौर पर 10 से 15 दिनों के भीतर विदर्भ पहुँच जाता है। इसके लिए बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का पत्ता बनना जरूरी है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक विदर्भ में मानसून कब आएगा, इस सवाल का जवाब मानसून की रफ्तार से तय होता है। अगले 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा। हालांकि मानसून के विदर्भ में समय पर पहुंचने की उम्मीद है। 29 मई को मानसून जो है केरल में डिक्लेयर किया गया है और वो अपने सामान्य तिथि 1 जून से 3 दिन पहले केरल पहुँच गया है। केरल में मानसून का प्रवेश जो है हम भारत में मानसून का प्रवेश मानते हैं। हालांकि अंडमान निकोबार में 16 मई को पहुंच चुका है, लेकिन अंडमान निकोबार चूंकि काफ़ी दूर है हमारे लैंड एरिया से, तो उसका उतना महत्व नहीं है जितना कि केरल में मानसून के प्रवेश का है। केरल की जो सामान्य तिथि है 1 जून है और विदर्भ के जो सामान्य तिथि है 10 से 15 जून के बीच में है। तो नॉर्मल देखा जाए तो 10 से 15 दिन उसके बाद लगते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। मानसून कभी बहुत तेज़ी से भी बढ़ता है और जल्दी पहुंच जाता है, कभी अटक जाता है तो लेट भी होता है। और दूसरी बात ये है कि केरल में जो मानसून की जो बारिश होती है वो अरबियन सी ब्रांच से होती है। मानसून के जो 2 ब्रांच है, एक बंगाल की खाड़ी ब्रांच और एक अरबियन सी ब्रांच। तो हमारे यहाँ पर विदर्भ में ज़्यादातर बारिश जो है वो बंगाल की खाड़ी के ब्रांच से होती है। उसके लिए बंगाल की खाड़ी में कोई लो प्रेशर डिप्रेशन अगर कोई सिस्टम बनता है और वो जब उड़ीसा या आंध्र प्रदेश से अंदर लैंड में प्रवेश करता है तो उसके कारण हमको मानसून की जो है बारिश मिलती है। तो अभी ऐसा अगले कुछ 5-6 दिनों में ऐसा कोई सिस्टम बनता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मानसून जल्दी अभी विदर्भ पहुँचेगी। लेकिन जब भी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा उसके बाद में ही सही पोजीशन पता चलेगा कि मानसून
विदर्भ में कब आ पाएंगे। फिर भी तय समय पर ही आने की संभावना है, इसके कोई अभी से फोरकास्ट नहीं की जा सकती क्योंकि काफ़ी अभी टाइम है। जिस समय प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी उस समय हम लोग इसका जो है मानसून पहुंचने के बारे में डिक्लेरेशन करेंगे। वर्धा शहर में आज अचानक तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से ठंडी हवाएं शुरू हो गई। सुबह से कड़ी धूप के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन अचानक हुई बारिश से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई और छोटे बच्चों ने बारिश में भीग कर पहली बारिश का आनंद लिया। कड़ी धूप से त्रस्त लोगों को पहली बारिश से राहत मिली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण के पहले चरण यानी चबूतरे का काम पूरा होने के बाद बुधवार से दूसरे चरण के तहत गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा। इस मौके पर गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महामंत्री चंपत राय समेत करीब 250 साधु संत, राजनीतिक हस्तियां और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। पहले पत्थर के स्थापित होने के बाद साल 2023 दिसंबर तक गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा और उम्मीद है कि 2024 की जनवरी में मकर संक्रांति के दिन रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो जाए। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला भले ही 9 नवंबर 2019 को आया हो, लेकिन मंदिर निर्माण की तैयारियां 1989 से शुरू हो गई थी। 1989 में शिला पूजन शिलान्यास के साथ सबसे पहले राम भक्तों से ईंट मांगे गए। इसके अगले साल यानी सितंबर 1990 में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला की स्थापना की गई। इस कार्यशाला में गुलाबी पत्थर लेकर मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम शुरू कर दिया गया। पहले के राम मंदिर के डिजाइन के हिसाब से फैसला आने तक 60 से 65% काम पूरा हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद डिजाइन में परिवर्तन कर मंदिर के स्वरूप को बड़ा कर दिया गया। ऐसे में अब कुल 40% पत्थर का काम पूरा हो सका है। गुलाबी पत्थरों से बनाए जा रहे राम मंदिर का गर्भगृह का काम बुधवार से शुरू हो रहा है। ये पिंक सैंड स्टोन राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़ के है। इन पर नागर शैली की कलाकृति उकेरी जा रही है। पहले इन पत्थरों का काम पूरी तरह हाथ से होता था, लेकिन अब चूंकि मंदिर निर्माण के काम में तेजी आई है इसलिए अब मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर के पुराने डिजाइन में ऊंचाई 128 फुट, चौड़ाई 140 फुट और लंबाई 255 फुट होना था। हालांकि डिजाइन में बदलाव के बाद अब मंदिर की ऊंचाई 161 फुट, चौड़ाई 255 फुट और लंबाई 350 फुट होगी। मंदिर में कुल 4 लाख घन फुट पत्थर लगाए जाएंगे। पहले के डिजाइन में 1,75,000 घन फुट पत्थर लगने थे। देश की राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ चील मिली। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद ये बाज राष्ट्रपति भवन के पार्क में गिरा हुआ मिला। देश की राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ चील मिली। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद यह चील राष्ट्रपति भवन के पार्क में गिरी हुई मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह चील वाइल्ड लाइफ वालों की थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वाइल्ड लाइफ वाले इस तरह के एक्सपेरिमेंट पक्षियों के साथ करते रहते हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन की छत पर चील के मिलने के बाद हड़कंप सिर्फ इसलिए मचा क्योंकि चील में ट्रैकिंग डिवाइस लगा था और राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास का जो एरिया है वह नो फ्लाइंग जोन है। बता दें कि दिल्ली अति संवेदनशील राज्य माना जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति भवन के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस के साथ चील के उड़ने की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। वही पुलिस का कहना है कि जांच कर ली गई है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मुंबई में एक तटीय प्रबंधन निकाय ने तटीय नियामक क्षेत्र CRZ मानदंडों के कथित उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके जुहू इलाके में स्थित बंगले को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इससे पहले नगर निकाय ने कथित रूप से अनधिकृत निर्माण के मामले में राणे के अधीश बंगले को लेकर भी उन्हें नोटिस जारी किया था। जिला स्तरीय तटीय प्रबंधन समिति द्वारा 24 मई को जारी हालिया नोटिस में मेसर्स आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 10 जून को पूर्वाह 11 बजे जिलाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया है। मुंबई में एक तटीय प्रबंधन निकाय ने तटीय नियामक क्षेत्र CRZ मानदंडों के कथित उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके जुहू इलाके में स्थित बंगले को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह बताने को कहा गया है कि इस उक्त निर्माण को स्वीकृत FSI तल क्षेत्र सूचकांक से अधिक और अनधिकृत निर्माण करके 11 जुलाई 2007 के CRZ NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र का उल्लंघन क्यों नहीं माना जाना चाहिए। ये नोटिस महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण MCZMA के सचिव और पर्यावरण निदेशक से की गई शिकायत के आधार पर और CRZ मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का एक अन्य कंपनी में विलय हो गया है जिसमें राणे और उनके परिवार के शेयर है।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत है। कुलगाम जिला के गोपालपुरा इलाके में स्थित हाई स्कूल की एक शिक्षिका को आतंकवादियों ने गोली मार दी। शिक्षिका को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार हिंदू समुदाय की शिक्षिका सांबा जम्मू संभाग की रहने वाली थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित शिक्षिका को गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के सांबा की रजनी बाला, उम्र 36, कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में शिक्षिका के रूप में तैनात थी। मई के महीने में किसी कश्मीरी पंडित की ये दूसरी हत्या है। 12 मई को बडगाम जिले की चदुरा तहसील में तहसीलदार कार्यालय के अंदर राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में निशाना बनाकर एक महीने में ये सातवीं हत्या है। पीड़ितों में से 3 ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी थे, जबकि 4 नागरिक थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके के राजपुरा में सोमवार देर रात सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी रोधी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी M.K. विश्वलक्ष्मी को सौंपा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व CM BS येदियुरप्पा, BJP अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, मंत्री मधुस्वामी, R. अशोक, मुनिरत्न और V. सोमन्ना भी मौजूद थे। नामांकन पत्र जमा करने से पहले निर्मला सीतारमण ने कवि गंगाधरेश्वर मंदिर का दौरा किया और विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंची निर्मला सीतारमण का भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आरती, अराशिना, कुमकुम और नारे लगाकर स्वागत किया। विधायक रवि सुब्रमण्यम और MLC भारती शेट्टी वहां मौजूद थी।
राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण का उच्च सदन का कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक से उम्मीदवार घोषित किया। इन 16 उम्मीदवारों में से 6 उत्तर प्रदेश से है। पार्टी ने राज्य से 2 महिलाओं दर्शना सिंह और संगीता यादव को मैदान में उतारा है। पार्टी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार से 2-2 और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व हरियाणा से 1-1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रहे भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम का नाम उम्मीदवारों की पहली सूची में नहीं है। पार्टी ने हरियाणा से पूर्व विधायक कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, राजस्थान से घनश्याम तिवारी और उत्तराखंड से कल्पना सैनी के नामों की घोषणा की गई है। बिहार से पार्टी ने सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की विज्ञप्ति के अनुसार अनिल सुखदेवराव बोंडे को महाराष्ट्र से जबकि जगेश को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिस्ट में नहीं है, जबकि अगले महीने के पहले हफ्ते में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। सिलेंडर के भाव बढ़ने से कुछ जगहों पर 14.2 किलो के तो कुछ लोग सिलेंडर से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर में गैस उलटने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर है और इसमें सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि विस्फोट और आग लगने का भी बहुत बड़ा खतरा है। इस विषय पर आज ग्राहक भारतीय जन जागृति अभियान की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन में भी चर्चा की गई है। काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कंज्यूमर इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरी विनोद तिवारी ने आज नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सरकारी तेल कंपनियां और एलपीजी वितरक संगठित रैकेटियों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार को उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। ग्राहक भारती के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता आंदोलन शुरू किया गया है और इस गंभीर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को जुटाया जा रहा है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए तिवारी ने कहा कि इस सबका कारण यह है कि कालाबाजारी करने वालों को यदि थोड़ी सी भी राशि का भुगतान किया जाता है तो घरेलू सिलेंडर बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ गैस एजेंसियां नकली ग्राहकों के नाम पर पंजीकरण कर तेल कंपनियों से अतिरिक्त सिलेंडर लेकर ब्लैकमेल कर रही है। एक तरफ जहाँ सिलेंडर के बढ़ते दाम से आम आदमी और गरीब सिलेंडर का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्तमान में एक परिवार 2-3 महीने में सिलेंडर का उपयोग कर रहा है। तेल कंपनियों में नए मार्केटिंग फंड का इस्तेमाल कर ऑटो बुकिंग के नाम पर वितरकों के जरिए उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर पहुंचाना शुरू कर दिया है, लेकिन सिलेंडर बुक नहीं होने के कारण जरूरत न होने पर वे ग्राहक नहीं लेते हैं। ऐसे में कालाबाजारी में अवैध रूप से सिलेंडर बेचा जाता है। इस तरह कई गैस एजेंसियां जगह जगह संगठित रैकेट के साथ सिलेंडरों को व्यापक रूप से ब्लैकमेल कर रही है। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और यह गंभीर मुद्दा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एलपीजी गैस को आसानी से गैस रूपांतरण व्यवसाय चलाकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर वाहनों में लोड किया जा रहा है। टुल्लू पंप की मदद से गैस सिलेंडर से एक बहुत ही साधारण ट्यूब के माध्यम से वाहनों में गैस पंप की जाती है। कितनी गैस भरी जाती है यह मापने के लिए विद्युत मापने वाले उपकरण इलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग सबसे गंभीर है। इस विषय पर आज नागपुर में ली गई पत्रकार परिषद में चर्चा हुई। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ग्राहक भारती ही जी संघटना है त्या संघटनेच्या माध्यमातून एक जनजागृती चळवळीचा विषय आम्ही घेतलेला आहे। एलपीजी सिलेंडरच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या ज्या किमती वाढलेल्या आहेत त्या किमती वाढण्याने याचं डायव्हर्शन खूप मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये होऊन राहिलेला आहे। हा विषय काही नागपूरपुरता मर्यादित नाही, महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही, हा विषय कमी जास्त प्रमाणात प्रत्येक राज्यामध्ये आहे आणि खास करत मोठ्या शहरामध्ये याचा उद्रेक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे। कारण जर 14.2 चा जो घरगुती उपयोगाचा सिलेंडर आहे हे सिलेंडर जर 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरमध्ये पलटवण्यात आलं तर त्याची किंमत जी आहे ना, ज्या हा जो 1000 रुपयाचा सिलेंडर यांनी घेतला आणि 1100 घेतला समजा 1000 पडला असेल तरी, तर त्याला पलटी मारून जर विकला तर तो सिलेंडर सरळ 2400 रुपयाचा होतो। म्हणजे एवढा मोठा फरक आहे आणि एवढा मोठा फरक असल्यामुळे हे जे डायव्हर्शन एकदम फोपावलेलं आहे त्यावरती कायदा इम्प्लिमेंट करणाऱ्या एजन्सीचं कंट्रोल पूर्ण राहिलेलं नाही। 2 वर्षापूर्वी व्यावसायिक गॅस आणि घरगुती गॅस याच्या किमतीमध्ये काही जास्त फरक नव्हता, त्यावेळेस भारत सरकारने उजाला फुजाला नावाने खूप कनेक्शन वाटले। आज ते उजालाचे सिलेंडर त्या उजालाच्या ग्राहकाकडे पोहोचत आहे काय, याचं काहीच ॲनालिसिस काही तारतम्य ऑइल कंपन्याकडे किंवा भारत सरकारकडे अजिबात नाही। तेव्हा नियंत्रण नाही झालं, जेव्हा नियंत्रण राहिलं नाही
जेव्हा ऑइल कंपन्याच्या डीलर विरुद्ध कारवाई होत नाही, त्यांची एमडीजी जी गाईडलाईन आहे त्या गाईडलाईनचं इम्प्लिमेंटेशन होत नाही, त्याला शोकॉज दिली जात नाही, त्यांच्या एजंट्सचा टर्मिनेट होत नाही, त्यांच्यावरती कारवाई होत नाही, मॉनिटरी पेनॉल्टी लागत नाही, कधी तुम्ही पाहिलं का, कधी ऐकलं का अशा कारवाई झाल्या, एजन्सी बंद झाली आहे वगैरे वगैरे, एक्स्ट्रीम लेवलवरती एखादी केस भारतात होत असेल तर हा जो आज राजरोसपणे हा जो हा डायव्हर्शनचा व्यवहार चालला आहे, त्यांनी एक खूप मोठा ब्लास्टचा धोका, आगी लागण्याचा धोका आणि हे सगळं पूर्ण देऊन खाक होण्याचा धोकासुद्धा निर्माण झालेला आहे. म्हणून आमचं जे जनजागृती चळवळ जी आहे ही समाजासाठी आहे, सरकारसाठी तर आहेच आहे, कारण सरकारचं रेव्हेन्यू याच्यामध्ये 30 ते 40 हजार कोटी पर ॲनमचं टॅक्सेशनचं रेव्हेन्यू चाललं, सबसिडी बुडून राहिली त्याच्यापेक्षा जास्त. म्हणजे हा जो एक सिलेक्ट समाजातील एका बोटावरती मोजणाऱ्या लोकांनी हा जो हायदोत चालवलेला आहे, त्या हायदोताचा किती मोठा परिणाम भारताला होऊन राहिला आणि त्यामुळे आपण आपल्याला हा सिलेंडर घ्यावा लागला 1000 रुपयाला. अहो जेव्हा ही सबसिडीचा हा जो ही जी चोरी कर तुम्ही थांबवली तर सिलेंडर 600 रुपयाला होईल आणि सरकारला का समजत नाही हे, म्हणजे समजत नाही मग उमजत नाही काय आहे हे, आता हे समजायला आम्हाला चान्स नाही आहे. म्हणून आम्ही हा जो विषय घेतला, मी जो तुम्हाला प्रेस कॉन्फरन्समध्ये समजून सांगितला, हा विषय कुणा एका व्यक्तीचा नाही, कुणाच्या विरुद्ध नाही, कुण्या एका डीलरच्या विरुद्ध, ऑइल कंपनीच्या विरुद्ध नाही, ही जे कीड लागलेली आहे सामाजिक कीड पूर्ण आणि एक इझी अर्निंग मनी का जो ये पॅटर्न गिरा आहे, एक तो व्हाईट कॉलर क्राईम आहे, ये कोई चोरी चपाटी नाही, चोरी चपाटी के ऊपर आहे, समाज को लगे वाली कीड आहे, इस कीड के ऊपर आवाज उठाना चाहिए सरकार ने. अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसी कानून को करना चाहिए इम्प्लीमेंट. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर है, आईपीसी की प्रोविजन है, इतने बुरी तरह सरकार के अधिकारियों के पास में अधिकार है, इसके फ्लाइंग स्क्वाड है ज्वाइंट के, किधर एक्शन हो रही है? नहीं, एजेंसी के लोग इन्वॉल्व है ना, बगैर एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट के, बगैर ऑयल कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के, बगैर अफसरों के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा रैकेट कैसा हो सकता? 40 सिलेंडर बेलतोडून में फुटे और बोलते शॉर्ट सर्किट से अंगार लगी, व्हाट इज गोइंग ऑन? सगळ्यांना माहित आहे पलटी उद्योग चालू होता, पलटी उद्योगामुळे गॅस लीक झाला, चूला जल रहा था, गॅस फुटा, सिलेंडर फुटने लगे, सिलेंडर उडने लगे. अरे लोगों ने रील बनाई है ना पूरी, भारत में इतना बड़ा एक्सिडेंट नहीं हुआ है ना, चर्चाच नाही त्याच्यावरती, कोणताही राजकीय नेता, कोणताही पदाधिकारी, कोणताही लोकप्रतिनिधी बोलायला आया नाही. सगळ्या राजकीय लोकांच्या एजन्सी आहेत, एजन्सी ज्या आहेत, पहिले तर खासदारकीचं तिकीट घ्या किंवा लोकसभा किंवा गॅसची एजन्सी घ्या, असा पॅटर्न होता, एकही माणूस नॉन राजकीय नाही. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट. माँ के व्यवहार से त्रस्त होकर बेटे प्रवीण काश्य ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक के भाई में दर्ज की हुई शिकायत के आधार पर वसंतनगर पुलिस ने जांच करके माँ कामिनी आड़े को हिरासत में लिया है. यवतमाल जिले के पुसद में एक 22 वर्षीय गोद लिए हुए बेटे ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से द्वारका नगर परिसर में हड़कंप मच गया है. मृतक का नाम प्रवीण रामराव काश्य है, पुलिस ने शिकायत दर्ज की है. कामिनी तुकाराम आड़े इस महिला ने प्रवीण को गोद लिया था, लेकिन बाद में वह प्रवीण को मानसिक यातनाएं देने लगी. अपनी मां के ऐसे व्यवहार के चलते प्रवीण ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. प्रवीण के भाई कृष्णा काश्य ने वसंत नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कामिनी आड़े को हिरासत में लेते हुए उसके खिलाफ गुनाह दर्ज किया है. दिनांक 18 मे 2022 रोजी पुरुषन वसंत नगर येथे रात्री 11 वाजता सुमारास कृष्णा रामराव काश्य यांनी फिरियाद दिली की त्याचा भाऊ प्रवीण उर्फ गोव्या रामराव काश्य वय 22 वर्षे याने द्वारका नगरी श्रीरामपूर येथील विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केलेली आहे. सदर फिर्यादवरून पुरुषांना अकस्मात मृत्यू नोंद करण्यात आलेला होता. सदर अकस्मात मृत्यूचे चौकशीचे दरम्यान फिर्यादी कृष्ण रामराव काश्य यांनी दिनांक 28 मे 2022 रोजी पोलिसांना येऊन फिर्याद दिली की यातील आरोपी कामिनी तुकाराम आडे हिनेच त्याच्या भावाला शारीरिक मानसिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केलेले आहे. सदर फिर्यादवरून पोलिसांना अपराध क्रमांक 152/22 नागरिकों की मांग तथा स्कूल कॉलेज और इतर संस्थाएं पूर्ववत होने से शिक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है. इन यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए महामेट्रो नागपुर ऑरेंज लाइन कस्तूरचंद पार्क स्टेशन से खापरी मेट्रो स्टेशन और एक्वा लाइन सीतामढ़ी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन की मेट्रो फेरियों में बढ़ोतरी की है. बढ़ोतरी की गई मेट्रो फेरिया दिनांक 1 जून बुधवार से ऑरेंज और एक्वा लाइन पर शुरू होगी.
इसके अंतर्गत यात्री सेवा सुबह 6:30 बजे से दोनों लाइन खापरी कस्तूरजन पार्क सीताबर्डी इंटरचेंज लोकमान्य नगर स्टेशन से शुरू होगी। दिन की पहली मेट्रो सेवा सुबह 6:30 बजे की रहेगी तथा सुधारित समय सारणी अनुसार इन दोनों मार्ग के टर्मिनल स्टेशन से आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 10 बजे की रहेगी। सप्ताह के सभी दिन सुबह 6:30 से रात 8 बजे तक हर 15 मिनट में और उसके बाद 10 बजे तक हर 20 मिनट में मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले रविवार 29 मई से महामेट्रो ने ऑरेंज और एक्वा लाइन मार्ग की मेट्रो सेवा हर रविवार रात 10 बजे तक बढ़ाई है। रविवार के मेट्रो सेवा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया है। पहले दिए गए समयानुसार मेट्रो सेवा शुरू रहेगी। इस मार्ग पर स्कूल, कॉलेज तथा अन्य संस्था में सुबह के समय कार्यरत अनेक विद्यार्थी और अन्य कर्मचारियों को बड़े पैमाने में फायदा मिलेगा। कोरोना पर बेहद अच्छे तरीके से नियंत्रण मिलने पर अब शैक्षणिक और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में कामकाज पूर्ववत हुआ है। इसी तारतम्य में अब शैक्षणिक और अन्य कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही मिहान स्थित आईटी कंपनी पूर्ववत हुई है, इसलिए ऑरेंज और एक्वालाइन मार्ग पर या निकट के परिसर में पढ़ने वाले या कार्यरत विद्यार्थी कर्मचारियों की रात 10 बजे तक मेट्रो सेवा शुरू रहने की मांग थी। फिलहाल इस मार्ग पर अंतिम यात्री सेवा रात 9:30 बजे की है। बढ़ोतरी यात्री सेवा की नई समय सारणी 1 जून बुधवार से लागू होगी। इसका नागरिकों को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। तो वीकेबी प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।